आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे नेता की जो अपने दमदार भाषण से लोगों के बीच में एक अलग ही पहचान बना ली है और उत्तर भारत में उन्हें नेताजी के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में जो उत्तर प्रदेश के धुरंधर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़ी पहचान बनाई है। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवा दिया। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1949 को इटावा जिले के छोटे से गाँव सेफई में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दिनों में शिक्षण कार्य किया, लेकिन लोहिया और उनके साथ के लोगों के संपर्क में आने के बाद सियासत की ओर रुख किया। लोक दल के विधायक के रूप में सियासत में कदम रखने वाले मुलायम ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ें मजबूत करने में उनका अमूल्य योगदान माना जाता है। इस पार्टी ने प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 3 बार वह खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 4थी बार 2012 में उनके पुत्र अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनके परिवार में विरासत को लेकर कड़ा संघर्ष शुरू हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक बड़ी बैठक बुलाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षण बना दिया। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल से पद और सरकार में भूमिका को लेकर कड़ा संघर्ष चला, जिसका असर 2017 के विधानसभा के चुनाव पर भी हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक बड़ी बैठक बुलाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षण बना के मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल से पद और सरकार में भूमिका को लेकर कड़ा संघर्ष चला, जिसका असर 2017 के विधानसभा के चुनाव पर भी हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा बुरी तरह हार गई और बाद में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अलग संगठन बना लिया। मुलायम सिंह यादव फिलहाल समाजवादी पार्टी के संरक्षण हैं और मैनपुरी से पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल सिंह यादव और कमल देवी से बड़े हैं। पिता सुधर सिंह यादव उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थु सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थु सिंह को परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर किया। मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है मैं मुलायम सिंह यादव, जो अक्टूबर में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए।